भी हो, तुम कुर्मी हो, तुम पासी हो, तो जाति प्रथा साथियों, सारे महापुरुषों ने कहा, किसी महापुरुष ने कोई यादव आंदोलन नहीं चलाया, किसी महापुरुष ने कोई मौर्य आंदोलन नहीं चलाया, सारे के सारे लोगों ने शूद्र मूवमेंट चलाया। बाबा साहब ने आपको ओबीसी एससी एसटी क्यों कहा? क्योंकि आप ओबीसी एससी एसटी के नाम पे अब 100 करोड़ है। कांशीराव साहब ने आपको बहुजन शब्द क्यों कहा? क्योंकि आप बहुजन के नाम पे 100 करोड़ है। इसलिए मेजोरिटी में आने का आंदोलन चलाइए, माइनॉरिटी में नहीं। जातियों को खत्म करिए, जाति आपका विनाश का कारण है। 29 स्टेट है और 29 स्टेट में एक भी स्टेट में आपका राज नहीं है। अभी आपका वोट का अधिकार छीना जाने वाला है। रेलवे बिक गई, एयर इंडिया बिक गई, मारुति कंपनी बिक गई, बिजली कंपनी बिक गई, वाल्को बिक गया, आपके बच्चों को नौकरी नहीं मिलने वाला है। जो 2200 साल पहले गुलामी थी वो वापस गुलामी आपको आने वाली है। इसलिए अपने इतिहास को पहचानिए, हम शूद्र लोग हैं। शूद्र नहीं अगर आपको गर्व होता है, आप ओबीसी कहिए, एससी एसटी कहिए। ओबीसी मतलब अदर बैकवर्ड कास्ट, एससी मतलब शेड्यूल कास्ट, एसटी मतलब शेड्यूल ट्राइब। शेड्यूल का मतलब होता है जातियों का एक सूची बनाई गई। तो सबसे पहले 1932 में जातियों की सूची बनाई गई। उसके बाद हमारे ओबीसी के लोगों ने बोला नहीं, हम इसमें नहीं आएंगे। बाद में उनको ओबीसी नाम दिया गया, जो बच गए, जिनकी जातिगत जनगणना नहीं हुई थी। 1931 के बाद आज तक जातिगत जनगणना नहीं हुई, क्यों? आप बताते हो हिंदू इतना है, मुसलमान इतना है, जातियों को क्यों नहीं बता रहे हो? क्योंकि जाति के हिसाब से आपको हक देना पड़ेगा। अगर आपको 100 जज की वैकेंसी निकलती है, अगर आप जाति नहीं भी खत्म करते हैं, मौर्य 8 है तो 8 मौर्य होना चाहिए, 10% यादव है तो 10 यादव होना, एक भी नहीं है, आपको न्याय मिलेगा कैसे? आप मीडिया में है नहीं, मीडिया ने स्टडी किया, पब्लिक गुस्से में है, कांग्रेस को वोट नहीं देगा, चलो बीजेपी को लाओ। फिर उन्होंने स्टडी किया, किसी को वोट नहीं देगा, अन्ना हजारे को दिल्ली में बैठाओ, एक नया सिम कार्ड केजरीवाल तैयार कर दिया, मीडिया साथियों पागल बना दिया। मीडिया दिखा देगा, ध्यान से देखिए, एक केला बेचते थे, इनकी माँ बर्तन मारती थी, बहुत ईमानदार इस केला बेचते थे, ये देश के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे, पूरा देश बोलेगा अरे मेरा केला बेचने वाला। और आंखों के सामने जो केला बेच रहा है तो कोई पूछ ही नहीं रहा। वो टीवी में दिखा देगा अक्षय कुमार पेप्सी पी रहे हैं, पूरा 6 फुट का हाथ 8 फुट हो गया, पूरा देश पेप्सी पी रहा, अरे वो टॉयलेट साफ करने का एसिड है, आपको पागल बना दिया। अभी टीवी में 26 जुलाई को मुंबई में बारिश हुआ तो एक सब सामान भाग गया, सिलेंडर भाग गया, थाली भाग गया। एक मीडिया वाला एक औरत से पूछा, अच्छा बताइए आपका क्या क्या सामान गायब हुआ? हमारा सब सामान मिल गया है, हमारे आदमी नहीं मिल रहे। तो आपका आदमी कैसे था? अरे हमारा आदमी हट्टा कट्टा 6 फुट का गोरा इंसान था। तो पड़ोसन बोली, अरे बहन जी झूठ क्यों बोल रही है, आपका तो आदमी काला क्लूटा टकला छोटा सा नाटा आदमी था। अरे बहन जी चुप रहिए, ये मीडिया वाले ढूंढ रहे हैं ना, तो कुछ अच्छा ढूंढ के लाएंगे। तो हम लोग 5 साल बैठे रहते हैं, टीवी वाला दिखाएगा, ध्यान से देखिए प्रधानमंत्री बनेंगे, हम लोग वोट दे आते हैं, आपका सब कुछ छिन गया। हमने अंधविश्वास के ऊपर एक कविता बनाई, जब पढ़े लिखे ही पागल है तो अनपढ़ को कौन पढ़ाएगा, जिंदा बाप कोई न पूजे मरे बाप बुझवाएगा, जिस पत्थर में प्राण नहीं है उसमें प्राण प्रतिष्ठा करवाएगा, और मेहनत से जो काम करेगा वो कभी इज्जत नहीं पाएगा, राहु केतु जब है ही नहीं उससे भी डरवाएगा, शनि का प्रकोप दिखाकर तेल का भी सत्यानाश करवाएगा। अच्छा भाषण दे दो तो टीवी नहीं बताएगा, सोशल मीडिया एकमात्र सहारा जो दर्द मजलूम का बताएगा, ईश्वर अल्लाह किधर रहता कोई तो बतलाएगा, ज्यादा कुछ पूछ दो तो मारामारी पर उतर आएगा। जो दिखता ही नहीं, जो दिखता ही नहीं उसको मानना है। बता एक कहावत है, जगत मिथ्या ब्रह्म सत, जो नहीं दिख रहा उसको मानो और जो दिख रहा उसको मत मानो। इसलिए मैं सैल्यूट करता हूँ राम भरोस जी को, जिन्होंने एक सफाई कर्मी के हाथों से इस मकान लालमणि मौर्या सर के मकान का गृह प्रवेश किया, ये इतिहास बना रहे हैं। इतिहास के पन्नों पर दर्ज होगा कि भारत में अगर कोई सामाजिक क्रांति हुई तो राम भरोस लालमणि मौर्या जैसे लोगों ने किया। नमस्कार इनको करिए, ये छोटे मोटे पुरुष नहीं है, ये महापुरुष है, आदमी का जिंदा रहते स्वागत करवा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है साथियों। जिस परंपरा में विधवाओं को कोई इज्जत नहीं मिलती थी, उन विधवाओं के हाथ से गृह प्रवेश करवा रहे हैं, इससे बड़ा कोई काम नहीं हो सकता। जाति के ऊपर हमने कविता बनाई, बड़ा अजीब दास्ता है इस देश का, जो कहते थे कि जाति प्रथा खत्म करो, उनको जातिवादी बना दिया, और बोए जिन्होंने जातियों के बीच उनको हिंदूवादी बना दिया। हिंदू धर्म कुछ नहीं।